और क्या चीज़ अगर नहीं उठेगा तो ताफुन फैलेगा। और यह गुजारिश है कि कानून पास करें कि जो भी कचरा फेंकती हुई नज़र आए, कोई भी बंदा हो, उसके को जो है वो 3 बारी में जुर्माना हो, 4थी बारी में उसको जेल हो, 5वीं बारी में उसको हो उल्टा लटका के ठुड्डे मारने वाले मामला। क्योंकि हमारी कौम तो डंडे के काबिल ही है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। इसकी वजह ये है कि यकीन कचरा जो आया आसमान से तो आया नहीं होगा, कचरा कचरा ही है, गरीब गरीब के लोगों ने फेंका होगा, फ्लैट वालों ने फेंका होगा। हालांकि फ्लैट वाले जो है बड़ा जिम्मेदार को लगाए होते, चीज़ें कर रहे होते, मकसद ऐसा देखने में आया कि जिम्मेदार को हम जो पैसे देके कचरा फेंकवाते हैं वो अंदर आके डंप करता है। तो जिम्मेदार हो चाहे कोई भी हो एक्स वाई जेड, उसके लिए आप जो है ये करें कि उसको जो है आप ये करें कि उसको जो है आप कानून बनाएं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएं। और जो जिम्मेदार है या कोई भी एक्स वाई जेड बंदा हो, बशमूल कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, जो कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया उसका उल्टा अटका है, ठुड्डे में पड़ा हुआ है, कूड़े पड़े हुए हैं। लेकिन माने अगर आज 10 कूड़े पड़ जाएंगे ना किसी कचरा फेंकने वाले को, और कोई न्यूज़ की जिनत बन गया, तो अगली बार किसी की हिम्मत नहीं होगी कचरा फेंकने की रोड पे, चाहे वो किसी भी एरिया में। तो कानून पास करना पड़ेगा कराची को कचरे से बचाने के लिए। अब हाल देखिए क्या हाल हुआ हुआ, पूरा जो है कचरे से भरा पड़ा हुआ है कराची। और एक कराची के करीब आबाद है, अंडर पास की जो आप खूबसूरती देखें, जो उजागर कर रहा है वो कचरा ही कर रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उठा था कचरा, पूरा एक कचरा उठ गया था, क्योंकि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को आना था पिछले महीने। वो जैसे ही आए इतवार को, वो आए हफ्ते की रात को, भाई सारी मशीनें आई हैं, इन्होंने सारे पतारे हटाए यहाँ से, और यहाँ से उन्होंने सफाई करवाई। वज़ीर आला आए होके गए, इसके बाद पतारे भी लगे, कचरा भी डलना शुरू हो गया, और कचरा डला तो उठने वाला नहीं, उठाने वाला कोई नहीं। तो ये एक अलमिया है हमारे लिए कि हम किसी को दिखाने के लिए, किसी खुशी हासिल करने के लिए कचरा उठावा लेते हैं, सफाई सुथरा करवा लेते हैं, बाद में वैसे ही मामला हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा और हिलाना चाहूँगा आपको, और बताना चाहूँगा कि देखेंगे आपको जो मनसब मिला है, चाहे मेयर हो, चाहे यूसी नाजिम हो, चाहे यूसी मेयर हो, कि आपको जो मनसब मिला है ये आवाम ने दिया है अल्लाह के हुक्म से, उसका इज्जत इकराम आपके ऊपर लाजिम है। आप किसी की खुशी हासिल करने के लिए आप काम ना करें, आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, अपने काम को हलाल करें, अपने काम को आप इसलिए हलाल करें कि आप कहेंगे मुझे जो एक मकसद मिला है या मुझे जो काम करने का मौका मिला है वो मैं अल्लाह के लिए करूँगा, क्योंकि मैं अपने काम को हलाल करूँगा। ये आप चीज़ आप सोशली जल्दी नहीं मारेंगे, आप काम करेंगे, आप ये वेट नहीं करेंगे मेयर कराची आएँगे या मुर्तज़ा बाप साहब आएँगे, वज़ीर आला साहब आएँगे तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करूँगा या काम करूँगा, अदरवाइज़ मैंने काम नहीं करना। देखिए आप जो काम कर रहे हैं किसी खुशनुदी हासिल करने के लिए, वही काम आप हम दिन में भी कर लेते हैं, लेकिन माने आवाम की भी खुशनुदी आपको मिलेगी और दुआएं भी अलग मिलेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन माने लोगों की बददुआई निकलती है, यकीन माने जब भी आपको गिरता है, कोई पड़ता है, यहाँ रमज़ान में इतने लोग गिरे, इतनी औरतें गिरी, यहाँ पाँव पर स्लिप हो गए, बारिश हुई स्लिप हो गए, तो लोगों का बड़ा जो था ना दिल से आहें निकल रही थी कि यार पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना लेते हैं, आप यहाँ सफाई सुथरा का निज़ाम बेहतर कर लेते हैं। पूरा ईद ऐसी गुजरी, शवाल का महीना ऐसा गुजरा, मगर यहाँ कोई दिखने वाला नहीं। और बड़ा मैंने वीडियो बना के बताया कि नहीं यार ये मामला चल रहा है, करीमा होटल के पास बन रहा है, यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, मगर कोई चीज़ नहीं हो पाई। आज जिस दिन वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को आना था, उस दिन जो है सफाई भी हो गई, सुथराई भी हो गई, ठेले भी हट गए, फतारे भी हट गए। और मैं हैरत पूछता हूँ कि 8 फरवरी से पहले इतना शदीद काम हो रहा था यहाँ, ख़तरनाक वाला काम हो रहा था, 4-4 मशीनें लगी हुई हैं, लोग लगे हुए हैं और ठेकेदार भी एक्टिव, मगर अब जब से इलेक्शन हुए हैं, शवाल रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल काम नहीं हुआ, शवाल का महीना आया वो निकला, अभी आपके सामने ही है कि इस टाइम पर जो है इतवार के दिन 4-4 मशीनें लगी होती थी, लोग लगे होते थे, अब यहाँ से वो सिर्फ 2 मशीनें लगी हैं, उनमें से भी एक मशीन खुदाई कर रही है और जो खुदाई का मलबा निकल रहा है दूसरी मशीन उसको उठा के डम कर रही है ट्रॉलर के अंदर। वहाँ तो ये होता था ट्रॉलर की, उस जमाने 8 फरवरी से पहले लाइन लगी होती थी 10-10 ट्रॉलरों की, खुदाई होती थी, मलबा डम होता था और ट्रॉलर लेके जाता था। अब जो है वो मामला बिल्कुल अलग हुआ है। तो ये अपडेट है कराची की, करीब बात की जगह मैं लेके आया हूँ।